पहले आपस में गठबंधन तो कर ले, यात्रा तो जब ही होगी जब गठबंधन ही नहीं हुआ, आपस में लड़ाई हो रही है और यात्रा चालू हो गई। पहले तो उन लोगों को डिसाइड ही नहीं है हम लोगों को करना क्या है, उन लोगों के पास मुद्दे ही नहीं है। इनका कहने का मतलब सिर्फ ये होता है कि 2014 के बाद से हिंदुस्तान पैदा हुआ है, उससे पहले हिंदुस्तान में कुछ नहीं था। यूपी जोड़ो क्या, पूरा हिंदुस्तान जोड़ लो, कुछ नहीं होने वाला। मैं इनके खिलाफ बोल रही हूँ, मुझे भी हो सकता है अभी बाहर निकलते ही घेर लें। हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या, अभी तो इनके गोली लगवा देंगे ना हम निकलते ही जाते ही। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है, उससे पहले आज मुरादाबाद जनपद में यूपी जोड़ो यात्रा आ रही है। इसको लेकर मेरे साथ मुरादाबाद के लोग हैं, इनसे जानेंगे कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा आज मुरादाबाद में आ रही है, मुरादाबाद के क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेकर यूपी जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, क्या कुछ कहना है। तो पहले आपस में गठबंधन तो कर ले, यात्रा तो जब ही होगी जब गठबंधन ही नहीं हुआ, आपस में लड़ाई हो रही है और यात्रा चालू हो गई, तो पहले गठबंधन हो जाए तभी तो यात्रा होगी ना। पहले तो उन लोगों को डिसाइड ही नहीं है हम लोगों को करना क्या है, उन लोगों के पास मुद्दे ही नहीं है, मुद्दा भी नहीं है किसी तरीके का। यूपी जोड़ो क्या, पूरा हिंदुस्तान जोड़ लो, कुछ नहीं होने वाला। सबकी दुकानें बंद हैं, सब परेशान हैं, अपनी दुकानें बंद करके बेचारे परेशान हैं कि चालू कैसे करें। 2014 से पहले जितने बड़े बड़े गड्ढे थे, जो चाहे भ्रष्टाचार का हो, किसी भी चीज़ का हो, गुंडाई का हो, भूमाफिया का हो, वो सब भर रहे हैं, धीरे धीरे भरेंगे। आपने 60 साल उससे पहले भी राज किए हैं, आप बताओ क्या करा। हिंदुस्तान और मुरादाबाद खास करके बहुत पीछे था, ये तो तुम भी खुद भी जानते हैं, सारे जानते हैं, सब जानते हैं। सरकार ने जो किया है ना, वो हर दूसरी जमीन पे कब्जा होता था, हर दूसरी जमीन पे। हाँ, यूपी जोड़ो यात्रा आज मुरादाबाद आ रही है। मैं इनकी बात का जवाब दे देता हूँ आपको कि गड्ढे थे, ये थे। मैं आपको अभी भी मैंने एक चैनल के माध्यम से बोला था, मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ और सब मेरे भाई खड़े में सब सुन लेंगे। जैसे ये कहते हैं कि गड्ढे थे, ये था, वो था, इनका कहने का मतलब सिर्फ ये होता है कि 2014 के बाद से हिंदुस्तान पैदा हुआ है, उससे पहले हिंदुस्तान में कुछ नहीं था, सब लाला बाला हुकशी थे, पत्ते बांध रहे थे, पत्ते खा रहे थे, न रेल थी, ना कुछ थी, ना ट्रेन था, कुछ नहीं था। जब से मोदी योगी जी आए तो हिंदुस्तान पैदा हो गया, हिंदुस्तान में चार चांद लग गए। कपड़े पहनने के कपड़े कपड़े भी हमें 14 के बाद से ही मिले, इससे पहले हम नंगे थे, इससे पहले कुछ नहीं था। और दूसरी बात इनकी ये रही कि कह रहे हैं कि भू माफिया खत्म होगा, ये खत्म होगा। भाई इन्होंने सबको खत्म कर दिया, जो सच बोलेगा, जो सच बोलेगा वो अंदर है। अभी मैं भी अब सेफ नहीं हूँ, मैं इनके खिलाफ बोल रही हूँ, मुझे भी हो सकता है अभी बाहर निकलते ही घेर लें, क्योंकि इनका पर्पज ही यही है। ये सीधा आरोप लग रहा है। ओह माय गॉड, हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या, अभी तो इनके गोली लगवा देंगे ना हम निकलते ही जाते हैं। जितना आप ये सेव है ना, अरे जिस सरकार ने सच्चाई दिखलाएगा वो जेल में होगा, वो जेल में जाएगा। भाई ये खिलाफ काम करेगा वो जेल में होगा, जो हिंदुस्तान के खिलाफ काम करेगा वो जेल में होगा। मैं जेल में तो नहीं हूँ, मैं आपको ही बता देता हूँ। आप भी थोड़ा इनके फेवर में बोलना, हो सकता कल को आपका चैनल भी खड़ी लिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आप गलत फहमी में, यूपी जोड़ो यात्रा आज मुरादाबाद आ रही है। यूपी जोड़ो यात्रा को इंडिया गठबंधन करा है, कांग्रेस और समाजवादी है, किन सीटों पर फैसला होगा, क्या जनता सोचती है मुरादाबाद की, क्या कुछ। देखिये ये हाईकमान का फैसला है, इसमें हमारा कोई अभी इंटरेस्ट। मुरादाबाद की जनता का क्या कुछ कहना है, आप जनता के पास जाते होंगे, मुलाकात भी करते होंगे जनता से, हम मिल देंगे। देखो जनता जो झूठ बोल, जो जैसे इनके यहाँ झूठ बोलो, बढ़ चढ़ के बोलो, इनके इनके यहाँ आप मतलब बीजेपी में इंडिया अलायंस को, आप उनकी सदस्य हो, आप इंडिया अलायंस को लेकर बात करें मुरादाबाद में यूपी जोड़ो यात्रा, इसको क्या है पार्टी के लिए काम। देखिए यूपी जोड़ो यात्रा मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में एक नंबर फिट होने वाली है, और पूरे हिंदुस्तान की जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूँ कि सूझबूझ से इंडिया गठबंधन को मजबूती से पकड़े। अगर हिंदुस्तान को चरम पे पहुँचाना हैगा, ऊपर पहुँचाना हैगा, अगर खुदा ना खास्ता अगर हमसे चूक हो गई और इंडिया गठबंधन को हमने सपोर्ट नहीं करा, तो हिंदुस्तान तबाह बर्बाद होने जा रहा हैगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। मुरादाबाद में यूपी जोड़ो यात्रा आ रही है, क्या मुरादाबाद की जनता कुछ, मुरादाबाद की जनता का यही मूड है कि अब कैसे हमें बदलाव करना है, जो भी फैसला हाईकमान का होगा वो मुरादाबाद की जनता मानेगी। और हमने पहले भी भाजपा प्रत्याशी को हराया था, अब कैसे भी हम हराएंगे, गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ जीतेगा। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी, वो खाली राजस्थान के प्रधानमंत्री थे,
पूरे देश के प्रधानमंत्री थे, तो वहाँ पे उनकी होर्डिंग लगी थी कि यहाँ सरकार बनाओ 450 का सिलेंडर पाओ। तो यहाँ किसकी सरकार है, मैं इनसे पूछने जाता हूँ क्या मांग रहेगी सरकार से। तो सिलेंडर है, महंगाई को सस्ता करिए इनसे। ये भाजपा के भाजपा कार्यकर्ता है, सब कुछ है, तो कम से कम ये महिलाओं की सपोर्ट की बात कर रहे हैं। ये महिलाओं ये बहुत उसकी सपोर्ट की बात कर रहा है कि ये हो रहा है, ये भी तो बताते हैं कि हम लोगों का सिलेंडर वेंडर सब्जी महंगाई कब कब कम होगी, कौन से 10 साल पूरे होने जा रहे हैं भाजपा सरकार को, क्या अच्छी सरकार हो गई। इससे पहले अभी कहते हैं 5 किलो अनाज में ये बिक गए। कांग्रेस ने, कांग्रेस की जब सरकार सेंटर में थी तो मिट्टी का तेल भी मिलता था, शक्कर भी मिलती थी, सब कुछ मिलता था, हमें कुछ मिला ही नहीं। अब मिला है 5 किलो अनाज में और दे दिया तना तेल हाथ में जी। यूपी जोड़ो यात्रा है, उससे पहले 24 के चुनाव है, क्या कुछ तैयारी है? मुरादाबाद की जनता किन मुद्दों पर मतदान करेगी? मुरादाबाद की जनता बेरोजगारी से बहरहाल हो गई है और सिर्फ शिक्षा के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है। मेडिकल लाइन में पूरे पूरब में आप देखें कितने एम्स बने हैं, अगर हम पश्चिम में आते हैं तो एक एम्स का नाम नहीं है। तो यहाँ पे शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य के लिए काम करना चाहिए, और जो भी जनता की आवाम के लिए जो भी मुद्दे उठाएगा, जो भी फ्रेंड लेगा, हम उसके साथ हैं, अदर पार्टी के साथ। कांग्रेस के द्वारा यूपी जोड़ो यात्रा मुरादाबाद में आज लेके आ रहे हैं कांग्रेस जो है, यूपी जोड़ो यात्रा से क्या लोग जुड़ेंगे, क्या कुछ कहना है? भाई अगर यूपी यात्रा लेके आ रहे हैं तो जनता के फायदे की बात करें तो जनता जुड़ेगी, जनता तो लालची होती है, आप मुझे ला ले तो मैं आपके साथ हो जाऊंगा। अगर आप जनता के भरोसे की बात करोगे, जनता को विश्वास दिलाओगे, हमारे हक की बात करेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे, और अगर हमारे एंटी करेंगे तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। जी, यूपी जोड़ो यात्रा मुरादाबाद आ रही है, किस तरीके से देखता है काम? देखिए अभी तो हम कह नहीं सकते, क्यों, उसके वजह ये है कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी यूपी जोड़ो में नहीं है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यूपी जोड़ो में, गठबंधन है आपकी पार्टी का, गठबंधन है, हम मना नहीं कर रहे, गठबंधन है अभी उसमें राहुल, फैसला अभी ये भी फैसला नहीं हो पा रहा कि साथ में है या नहीं है। राहुल जी ने अभी जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को अभी नहीं लिया है यूपी जोड़ो, उसमें पता नहीं क्या उनकी वजह रही होंगी। और हम तो यही कहेंगे जो हमारा गठबंधन अब इंडिया का जो होने जा रहा है वो सफल रहेगा और अच्छा, मतलब पब्लिक में उसका मैसेज अच्छा है। ठीक है, और भी लोग हैं, बात करेंगे। जी कशिश भाई, यूपी जोड़ो यात्रा आज मुरादाबाद है, क्या कुछ तैयारी है कि जाएंगे आप? देखिए हम किसी पार्टी में नहीं है, हम हर यात्रा का स्वागत करते हैं, जो देश की बात करेगा हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन हम एक बात बड़ी सच्चाई के साथ कहना चाहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी सूफिज़्म के ऊपर काम करेगी, सूफिज़्म को आगे बढ़ाएगी और सिर्फ सूफियों की बात करेगी, सूफी समाज अब उसकी आंखें खुल चुकी हैं, उसके साथ जाएगा, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए इस वक्त कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, लोग बात करते हैं, लेकिन देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आएगी तो बात तो राष्ट्रवाद की करेगी। अगर कोई शख्स पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से अपील करता हूँ आपके चैनल के ज़रिए कि अपनी पार्टी में उन लोगों को देखें जो राष्ट्रवाद को बदनाम कर रहे हैं, कट्टरता की बात कर रहे हैं, सूफिज़्म के खिलाफ बात कर रहे हैं और देश के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ पॉलिटिकल पार्टी एक्शन। ऐसे कौन से नेता हैं यूपी जो है, एनडीए है, इंडिया है, ऐसे कौन से नेता को सूफी इस्लामिक बोर्ड ने, ऐसे कौन से नेता देख लिए जिनके बारे में आप ये कर रहे हैं? देखिए एक बात सुन लीजिए, देश की सरकार के में अभी हमने PFI जैसा संगठन जो इस्लाम को बदनाम कर रहा था, हमने आवाज़ उठाई और हम देश की सरकार ने उसे बैन किया। ऐसे जो संगठन हैं जो आज भी इनकी बात कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के पास उनका भी चिट्ठा है, अगर सरकार के पास है तो ऐसी बात नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी इंटेलिजेंस होती है, उसके ज़रिए पता कराएं और उनके खिलाफ कार्रवाई करें, सिर्फ बात करें। आगे आने वाले समय में जो सूफिज़म की और राष्ट्रवाद की बात करेगा वोट वहाँ पर जाएगा। जी 24 के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर मतदान होना? देखिए अभी जो जिस तरह से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आ रही है, मुरादाबाद यूपी जोड़ो यात्रा आ रही, भारत जोड़ो यात्रा निकल चुकी है, अब मुरादाबाद में यूपी जोड़ो यात्रा आ रही है। मेरा उसमें एक सजेशन है कि जैसे प्रियंका गांधी जी जो हैं हमारे यहाँ की बहू हैं मुरादाबाद की, उन्हें इसमें आना चाहिए था यहाँ मजबूत करने के लिए, क्योंकि उन्होंने तकरीबन उनकी शादी को मैं समझता हूँ 20 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे, मगर कभी उन्होंने यहाँ मुरादाबाद वालों को मतलब उस तरीके से ट्रीट नहीं करा। अगर शायद वो यहाँ मुरादाबाद में उस तरीके से अपना लेती तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी उनका एक प्रभाव बन जाता कांग्रेस का। तो मेरा तो उनसे सिर्फ यही मशवरा है कि आप अपने इस ससुराल को ससुराल समझें और यहाँ वक्त दें, और यहाँ के लोगों को अपना अगर टाइम अलग से आप मिलने का देंगे मुरादाबाद के लोगों, किसी भी कोई भी मंत्री हो तो वो अपने शहर के जहाँ का होता है उसके लोगों को ज़्यादा सुनता है, मगर ऐसा पहली बार है
कि हमारी प्रियंका गांधी जी जो हैं वो मुरादाबाद के लोगों से ज़्यादा उनका इंट्रैक्शन नहीं है। अगर उनकी पॉलिटिकल नेताओं से हो तो वो अलग बात है, मगर आम जनता से जो है जुड़ाव नहीं हो रहा। तो अगर जो यात्रा जोड़ है, अगर इसको हम पब्लिक में लाएँ, पब्लिक को जोड़ें, तो ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा उन्हें। पीतल व्यापारियों के लिए लगातार आप काम करते आए हैं, आर्टिज़न के लिए काम करते हैं, पीतल व्यापारियों के इस बार चुनाव के क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे? देखिए, इस टाइम तो आपको मालूम ही है कि बेरोज़गारी है, मद्दा है, लोग रक्षाएं चला रहे हैं, बैटरी वाली ई रक्षा चला रहे हैं, और जो योजनाएं हैं भी तो उन योजनाओं का फ़ायदा उन आर्टिजन्स तक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो योजनाएं थी अल्पसंख्यक मंत्रालय की थी वो सब बंद हैं, क्योंकि फ़ंड्स नहीं हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की थी वो सब बंद हैं। मुरादाबाद में MSME की जो योजनाएँ थी वो बंद हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप जो जितने भी मंत्रालयों की विभागों की जो योजनाएं मुरादाबाद में आर्टिजन्स के लिए पहले आती थी उन्हें चालू करा जाए, उनमें फ़ंड दिया जाए, क्योंकि इस टाइम फंड्स नहीं है। जब भी कहीं बात करो कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है, तो ऐसी क्या वजह है जो मतलब फंड्स क्यों नहीं है? मेरी तो सिर्फ ये मांग है जी। 2024 का चुनाव नज़दीक है, क्या कुछ मुद्दे हैं मुरादाबाद? मेरा नाम अकरम वारसी, सूफी समाज जिला संयोजक हूँ मैं, और मैं ये कहना चाहूँगा 2024 में भी जितने भी मुरादाबाद के सूफी समाज के लोग हैं BJP को ही सपोर्ट करेंगे। खानकाह को, इमाम बारगाह को BJP ने सपोर्ट करी है, और जितने भी सूफी समाज के लोग हैं सब BJP को ही सपोर्ट करेंगे। क्या मुद्दे हैं, क्या इन मुद्दों पर मतदान होगा? सूफी समाज जो है, ठीक है, अच्छी बात है। अभी आप मेरे भाई कशिश वारसी साहब ने कहा कि हम किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं है, किसी भी पार्टी के फेवर में नहीं है। अब इन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि BJP को सपोर्ट करें, यहाँ झूठ पकड़ा गया। दूसरा झूठ, यहाँ जितने भी BJP वाले खड़े थे मैंने जब उनकी सच्चाई उनके सामने रखी, देखिए सब भाग गए, दिखाइए सब भाग गए, सब कैमरा ला के देख लिए। जितनी भी जब मैं सच्चाई मैं मुंह पे लेकर आया, ये BJP हमें फेस ही नहीं कर सकते, हमें फेस ही नहीं कर सकते। अभी आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से कहा कि BJP को सपोर्ट करें, किसी पार्टी ने कहा नहीं, कहा जी आपने कशिश वारिस साहब जी। कशिश भाई क्या कहना? देखिए एक बात समझ लीजिए, ये सियासी लोग हैं, ये सियासी गुफ्तगु करेंगे, लेकिन ये कड़वा सच है कि सूफी संवाद अगर किसी बताएं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी ने सूफी समाज बनाया नहीं बनाया, आज तक कुछ नहीं किया। कट्टरता की बात करिए, इस्लाम को बदनाम करने की बात करिए, आपके चैनल के माध्यम से सब देखा जा रहा है। ये जो आवाम देखेगी ना, ये पागल नहीं है, ये दिमाग रखाती है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में नहीं है, लेकिन BJP को सपोर्ट करो। ये BJP भाई मुझे बता दें कि अगर सूफी सेल इनके यहाँ बनी हो तो बता दें, और नहीं बनी है तो सूफी सेल जिसने बनाई है उसकी बात करने दें। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात करेंगे हम, किसी एक समुदाय की बात नहीं करेंगे हम, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात करेंगे हम, हर एक हिंदुस्तानी की बात करेंगे हम। जहाँ हिंदुस्तान में जो एक एक निवासी रहता है, एक एक गरीब मजलूम दबा कुचला अगला पिछड़ा, हम उनकी बात करेंगे, हम किसी एक समुदाय की बात नहीं करेंगे। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा पे आ जाइए, गठबंधन हो चुका है आपका, गठबंधन हो चुका है, मुरादाबाद में आज यूपी जोड़ो यात्रा रही, क्या समाजवादी पार्टी साथ होगी या नहीं? समाजवादी पार्टी साथ है, साथ खड़ी रहेगी। मुरादाबाद में एक अभी जो है ज्ञापन दिए गए थे, सबको एक साथ बुलाया गया था, लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी अलग थी, कांग्रेस अलग थी और आम आदमी पार्टी अलग थी। क्या इंडिया गठबंधन मजबूत मुरादाबाद जिले में आपको लग रहा है? सबकी टाइमिंग मैच नहीं थी, सबकी टाइमिंग अलग अलग थी, लेकिन सब साथ में हैंगे और सब साथ में आएंगे, और साथ में आने के हम हिंदुस्तान को खुशहाल बनाने की तरफ, खुशहाली की तरफ लेके जाने वाली करेंगे। अब ये इनकी पोल खुल चुकी है, इनकी पोल खुल चुकी है, अब ये सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, फड़फड़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मुरादाबाद जनपद में कांग्रेस के द्वारा यूपी जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर मेरे साथ मुरादाबाद में स्थानीय लोग थे और अलग अलग पार्टियों के सदस्य भी थे, जिनके द्वारा कहा गया है यूपी जोड़ो यात्रा को लेकर मुरादाबाद में आ रही है, जो जनता के मुद्दों की बात करेगा उससे मुरादाबाद की जनता भी जुड़ेगी। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।